प्रैक्टिकल नंबर 13, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब। इसके लिए हम एक ग्लास स्लैब इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मल ग्लास से थोड़ा सा थिकनेस उसकी ज़्यादा होती है। इसके लिए सबसे पहले हम जो है ग्लास स्लैब को पेपर पे रखेंगे सेंटर में, क्योंकि आपको पेपर में एक ये सेंटर में मैंने इसको प्लेस कर लिया और ये पेंसिल की मदद से मैं इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लूँगा। ये आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद हम ग्लास स्लैब को साइड में रखेंगे और ये स्केल की मदद से पेंस जो हैं वो चाहिए होंगी। नॉर्मली 4 पेंस हमें चाहिए होती हैं। तो आप देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सेंटर में है। हम थोड़ा सा एंगल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे 2 पिनों को प्लेस कर देंगे। इन 2 पिनों के दरमियान में नॉर्मल फासला जो है वो 1 या 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर फासला होना चाहिए। इन पिनों को हमने ऐसे लगा दिया और इसके बाद हम ग्लास स्लैब को जो इसकी आउटलाइन है इसके ऊपर एग्जैक्ट रख लेंगे। इसके बाद ये जो दूसरी पिन है, तीसरी जो पिन है, इसको हम देखेंगे ग्लास स्लैब के अंदर से। और हम इसको ग्लास स्लैब के अंदर से देखेंगे तो ये 2 पिनें, अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं तो ये 2 पिनें अलग अलग नज़र आ रही हैं। और फिर हम अपने मूव करेंगे हेड को और फिर ये दोनों पिनें एक लाइन में नज़र आएंगी और हम यहाँ पर 3rd पिन जो है वो प्लेस करेंगे। और 3rd पिन प्लेस करने के बाद यहाँ पर हम 4th पिन प्लेस करेंगे। और अगर हम इसको एक आंख बंद करके देखेंगे तो ये चारों पिनें ग्लास के अंदर से एक ही लाइन में नज़र आ रही हैं। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये अलग अलग नज़र आ रही होंगी। ग्लास के अंदर ये चारों पिनें एक साथ नज़र आ रही हैं, ऊपर से ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में नज़र आ रही है। हमें इस जगह इस तरह से प्लेस करना पड़ता है। प्रैक्टिकल ये कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब हम पिनों को हटाएंगे और इसकी मार्किंग कर देंगे। अब हम इन 2 पिनों को जो यहां पर हैं इस तरह से ज्वाइन करेंगे ग्लास स्लैब के एज तक, फिर इन 2 पिनों को ज्वाइन करेंगे ग्लास के एज तक। और अब आप देखें कि ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है। ये जो अंदर ग्लास के अंदर जो रे है इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। यहाँ पे एरो लगाना होता है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। इसका नाम देंगे पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन 4। अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के लिए हम डी की मदद से यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर जो ये लाइन है जहाँ पर ये एज दोनों लाइनें मिल रही हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इस जगह पर हम डी को प्लेस करेंगे। और डी को प्लेस करते वक्त हमें ये याद रखना है कि जो ग्लास स्लैब का जो बाउंड्री है इसके साथ 180 वाली लाइन जो है वो टच होनी चाहिए।
यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे 90 पर, और इसी तरह हम रिवर्स करेंगे डी को और यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे, और स्केल की मदद से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन नॉर्मली डॉटेड ड्रॉ की जाती है। ये जो लाइन है, इस लाइन को नॉर्मल कहते हैं, जिसको हम एन से शो करेंगे। हमें यहाँ पर एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये मेजर करना है, और एंगल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये मालूम करना है। तो उसको मालूम करने के लिए हम की जो डी की प्लेसमेंट है, इस प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो डी की प्लेसमेंट यानी मेजरमेंट के लिए प्रॉब्लम होती है। तो आप यहाँ पे देखें कि मैंने ये जो नॉर्मल की लाइन को 180 पे लिया है, और यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे। अगर हम इसको मेजर करते हैं तो ये देखें, ये लिखा हुआ है 0, 1, 0, 10, 20, 30, तो ये एग्जैक्ट 30 डिग्री बना रहा है। और इसी तरह से हम इसको रिवर्स करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 19 एंगल बन रहा है, 19। गौर से देखें तो 19 आपके पास एंगल बन रहा है। अब हम स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, साइन 30 साइन 19। विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मली प्रैक्टिकल्स में आपको जो है लॉग टेबल दिया जाता है जहाँ पे साइन की वैल्यूज गिवन होती हैं, साइन 30, और ये वैल्यू आ गई है 0.5, और 19 साइन 19 वैल्यू आई है 0.3255। नॉर्मली इसमें चार डिजिट लिए जाते हैं पॉइंट के बाद, 0.5 डिवाइड बाय 0.3255, और आंसर आपका बहुत अच्छा आंसर आया है 1.53। इसकी प्रैक्टिकल के दौरान में रेंज होती है कि आपका आंसर 1.547 से लेकर 1.54 तक, अगर आपके आंसर्स आ रहे हों तो आपका प्रैक्टिकल सही होता है। इस प्रैक्टिकल में तीन आपको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती हैं और उनका एवरेज निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमने मालूम किया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लास 1.53। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।